नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं बोर्ड पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 35,757 इतने ही पद आने हैं। दोस्तों बच्चे बार बार प्रश्न पूछे सर भर्ती कब आएगा। सर भर्ती नहीं आ रहा, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैंने सिलेबस कवर कर लिया है और उसके बाद जो है कि भर्ती नहीं आ रही है और अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सर भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, बहुत सारे प्रश्न है। और यकीन मानिए जो मैं लाइव सेशन करता हूं उस लाइव सेशन में इन्हीं प्रश्नों का भरमार रहते हैं और इन प्रश्नों का मैं जवाब देते देते थक गया हूं और अंततः मैं आपके सामने जो है आज हाजिर हूं इसी विषय पर आधारित जो है कि वीडियो लेकर कि भर्ती कब आएगी। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा मुझे एक बात ये बता दो कि अगर भर्ती नहीं आएगी, सपोज दैट भर्ती नहीं आएगी तो क्या वो पढ़ाई छोड़ देंगे? भाई पढ़ोगे ना, यूपी पुलिस की नहीं तैयारी करोगे, किसी और चीज की करोगे ना, तो भाई मेरे पढ़ो। सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में लगभग सिलेबस में 60-70% सिलेबस सबके सेम होते हैं। खासतौर से अगर मैं जीएस की बात करूं तो 70% जो है सिलेबस लगभग सभी के सेम होते हैं। जो इतिहास उसमें आएगा वही इसमें भी आएगा, जो संविधान उसमें पूछा जाएगा इसमें भी पूछा जाएगा, जो साइंस उसमें पूछा जाएगा इसमें पूछा जाएगा, जो ज्योग्राफी उसमें आएगा इसमें भी आएगा। तो भाई क्यों इतना सोचना कि भर्ती नहीं आएगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा? और आप सभी जानते हैं कि रेलवे का ग्रुप डी का भी जो है बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा जो है आरपीएफ है ना, आरपीएसएफ, तमाम जो भी हैं जितने भी हैं सब निकलने वाले हैं। भाई आप जानते हैं कि फरवरी माह में जो है केंद्र सरकार की बजट आती है, रेलवे और आम बजट दोनों एक साथ अब निकलता है, पहले अलग अलग निकलते थे। तो अब क्या है कि उसी बजट के बाद देखना रेलवे में ताबड़तोड़ भर्ती निकलेगी, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव है और उसी को मद्देनजर रख के सरकार सब कुछ जानती है। सरकार को पता है कि हमें कब क्या करना है। आप बैठे हो, आपको सारी चीजें आसान लगती हैं, सरकार के सामने कई सारी चीजें होती हैं और वो एक एक कदम फूक फूक के रखती है, ठीक है। और 2024 में जो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है कि नहीं है, तो भाई उसके पहले ये क्या मुद्दा लेके जाएंगे, क्या वोट मांगेंगे? जब युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, कम से कम ये भर्ती तो कंफर्म निकालेंगे। रेलवे ग्रुप डी का भी भर्ती निकलेगा, आरपीएफ का भी निकलेगा, आरपीएसएफ जो भी जितने भी हैं रेलवे में जो भी निकलेगा कंफर्म है कि जो है कि भर्ती निकलनी ही निकलनी है। ऐसे में भाई आप पढ़ते रहो, आपको क्या लगता है कि 3 महीने पढ़ के आप नौकरी ले लोगे? इतनी आसान है, इतनी कंपटीशन भाई तुम नहीं समझ पा रहे हो। आप लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पहले देखिए क्या था कि पहले जो है इतना कंपटीशन नहीं था, इतनी जागरूकता नहीं थी। जब से ये सोशल मीडिया, जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, बच्चों तक जानकारी पहुंच रही है। पहले जानकारी का अभाव था, है ना, फॉर्म आ जाते थे निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था लास्ट डेट कब खत्म हो गया। अब तो जैसे ही फॉर्म आता है यूट्यूब पे आ जाता है, तमाम चैनल है वो अपने अपने चैनल पे डाल देते हैं। तो इन सब चीजों को समझिए आप जो है पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई। मैं हमेशा बोला हूं कि बच्चा वही सेलेक्ट होगा जो वैकेंसी निकलने से पहले से तैयारी कर रहा है। भाई वैकेंसी निकल जाएगी तो सभी लग जाएंगे तैयारी करने में, वो तो फिर भेड़ वाली चाल हो जाएगी ना। आपको अलग निकलना है, भेड़ वाली चाल में नहीं जाना। भेड़ वाली चाल में जाओगे तो वही भेड़ के बीच में ही रह जाओगे, आपको आगे जाना है। आगे जाना है तो जाहिर सी बात है आपको पहले से लगना पड़ेगा। आप ये सोचो कि जितने भी सिलेबस में है, सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, सिलेबस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने बनाया हुआ है सिलेबस पर, एक जीएस और हिंदी को कवर किया है और एक वीडियो में मैथ और रीजनिंग के सिलेबस को कवर करते हुए जो मैंने सिलेबस पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो भी है उसी पर आधारित बनाया। हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो तो उसको भी जो है आपसे अवगत आपको मैं अवगत करा दूंगा। लेकिन हाँ,
सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ वैकेंसी निकलने से पहले पहले जो भी सिलेबस है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसको आप कवर कर लें, क्योंकि भाई वैकेंसी निकलेगी और तीन महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, 3 से 4 महीने आपको समय मिलेंगे। तो अगर आप सिलेबस पहले से कवर कर लेते हो तो ये जो 3 से 4 महीने जो समय मिलेंगे आपको सिलेबस नहीं कवर करना पड़ेगा, आप केवल सेट लगाओगे। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप केवल और केवल जो है रिवीजन करोगे। और भाई मैं बार बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, की नोट्स मतलब समझते हो, कोई भी सेंटेंस मत लिखो बड़ा, उसको कीवर्ड्स बनाओ। जैसे कि सपोज दैट कि आपने कुछ भी मतलब कि जैसे आपने ये बौद्ध धर्म ले लिया, ठीक है, आपने जो है बौद्ध धर्म ले लिया, ठीक है, तो सेंटेंस मत लिखो, सीधे लिखो कि हाँ इसके एक पॉइंट लिखो, संस्थापक डैश है ना गौतम बुद्ध, ठीक है, अब गौतम बुद्ध के बारे में कीवर्ड्स में लिखो सारे, बस एक एक पॉइंट्स इस तरीके से लिखो, पूरा सेंटेंस मत लिखो, बहुत लंबा नोट्स हो जाएगा, समय भी आपका बचेगा। अगर आप की नोट्स बनाएंगे ना तो आपका समय बहुत बचेगा, और की नोट्स बनाने का फायदा ये होता है रिविजन करने में बहुत आसानी होता है। तो दोस्तों मैं कुल मिलाकर मेरा जो आज का वीडियो ये लेकर आने का मकसद है, ये केवल एक केवल आपको मोटिवेट करने के लिए है। जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई भर्ती नहीं निकल रहा, ये अलग बात है। मैं जान रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो है कि जिस तरीके से मीडिया में जिस तरीके से जो है कि विज्ञापन जारी हो रहा है बार बार अखबारों में पिछले कुछ महीनों में जो है, उस तरीके से बच्चे जो है थोड़ा सा जो है डिप्रेस तो हो ही रहे हैं कि हाँ भर्ती कब आएगी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं भाई, भर्ती आएगी, आप फॉर्म भी भरोगे, ठीक है, इसके बारे में मत सोचो। और एज रिलैक्सेशन कंफर्म मिलेगा 2 साल का जो है ना, 2 साल का कंफर्म एज रिलैक्सेशन मिलना है, ज्यादा भी मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा, 2 साल का अवश्य मिलेगा, इस बात को मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। और मेरा देखिए, मैं केवल आपको यह कहना चाहता हूं भाई, तैयारी मत छोड़ो, आगे जो है भर्तियों की मेला आने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेट का भी एग्जाम हो गया, जिस दिन पेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है UP SSSC भी भर्ती निकालेगी। अब भाई देखो, कुल मिला जुला कर भर्ती आएगी, क्लियर कब होगी ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ भर्ती आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में जो है भर्ती कंफर्म है कि आनी है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, बच्चे जो है ना GS को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो मैं बता, देखो GS को रट्टा मत मारिए आप लोग, बहुत लोग हैं कि संविधान को रट्टा मारेंगे, इतिहास को रट्टा मारेंगे, भाई उसको समझने का प्रयास करें, इतिहास का क्रम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतिहास का क्रम पता है कि हाँ, जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका क्या आता है, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसके बाद जो है ये धर्म धार्मिक जो ये है इनका जो आगमन होता है, इनका जो स्थापना, इनके जो इतिहास है धार्मिक इतिहास, इसके बाद आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपका मगध साम्राज्य आएगा, और मगध साम्राज्य में आपका सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सिकंदर का आगमन भारत में, उसके बाद मौर्य वंश, ठीक है। इस प्रकार से एक क्रम आपको पता होना चाहिए, इतिहास में क्रम इंपॉर्टेंट है, इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट है, क्रम। और जियोग्राफी में मैप, देखिए हर अलग अलग सब्जेक्ट का कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करें। जियोग्राफी में जब तक आपको मैप क्लियर नहीं है, इंडिया का मैप, अगर आपको भारत का भूगोल पढ़ना है तो भारत का मैप आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप जो है वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़े तो वर्ल्ड का मैप क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, एशिया महाद्वीप कहाँ है, यूरोप महाद्वीप कहाँ है ना, सारा चीज, दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, अटलांटिक सागर कहाँ है, आर्कटिक सागर कहाँ है, और उसके बाद जो है कि जितने भी हैं सागर हमारे, दक्षिण चीन सागर हैं, जो भी आपको पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा, जब आपके दिमाग में मैप होगा, समझ में आ रही है मेरी बात। इसके अलावा संविधान में भी देखिए, संविधान को समझा जाएगा, संविधान का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करें, चीजें आसान हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है कि ये जितनी भी बातें मैंने बताई है इससे आप जरूर कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हुए होंगे, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, और अगर आप डीमोटिवेट से बचना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि
यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधित सभी जानकारियां मिलती है। इसके अलावा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक वीडियो भी आपको मिलते रहता है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, उम्मीद आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।